नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आप सभी को बता दें कि 2 जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और उससे पहले आपने देखा होगा भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सभी ने अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया और अब जाकर बांग्लादेश ने अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया। किसके लिए? वर्ल्ड कप के लिए। आपको बता दें कि 15 मेंबर स्क्वाड टीम का अनाउंसमेंट हुआ है और साथ में 2 ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे, यानी कि जो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। सबसे पहले आपको उन 15 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं जो बांग्लादेश की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला नाम यहां पर आपको बता दें कि नजमुल हुसैन है जो कैप्टन होंगे, तस्कीन अहमद, लिट्टन दास, सौम्य सरकार, तंजीद हसन, तमीम शकीब अल हसन, तवाइद हरुडोय, महमूदुल्ला रियाज, जैकर अली अनिक, तनवीर इस्लाम, शाक मेहदी हसन, रिशद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, सोरेफुल इस्लाम, तंजीब हसन, सकीब और साथ में यहां पर ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे आफीफ हुसैन और हसन महमूद। ये 17 खिलाड़ियों के नाम हैं जो बांग्लादेश की टीम में T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश ने 5 मैचों की जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेली थी जिसको 4-1 से उन्होंने अपने नाम किया था और उनमें जो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए थे लमसम, यानी कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम वही खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं क्योंकि जिम्बाब्वे की सीरीज एक तरीके से तैयारी के लिहाज से बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया गया था जो T20 वर्ल्ड कप की टीम में होंगे। यहाँ पर ये 15 खिलाड़ी बांग्लादेश ने अपने बता दिए। साकिब अल हसन भी दिख रहा है, मुस्तफिजुर रहमान भी दिख रहे हैं, लिट्टन दास भी है, यानी कि टीम इनकी अच्छी है। बांग्लादेश ऐसी एक टीम है जो कहते हैं ना कि आपको कभी भी सरप्राइज दे सकती है। अच्छा कॉम्बिनेशन इनके पास दिख रहा है, अब देखना होगा कि ये आने वाले T20 वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करते हैं। आपको बता दें कि ऑलमोस्ट सभी टीमों ने अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया, अब इंतजार है किसका? पाकिस्तान टीम का, और 1 हफ्ते 10 दिन में उनकी टीम का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 21 या 22 तारीख को लीड्स में PCB की एक मीटिंग होगी, लीड्स यानी कि इंग्लैंड में एक मीटिंग होगी जिसके बाद टीम के अनाउंसमेंट होने की संभावना जताई जा रही है। पर अभी आयरलैंड के साथ वो सीरीज खेल रहे हैं, उसके बाद इनको इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलना है। आयरलैंड के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी, अब देखना होगा क्या ये इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर होकर आते हैं या फिर इंग्लैंड इनको वहां पर अपने घर पर मार देगी। पर सबको इंतजार है पाकिस्तान टीम का क्योंकि अब ऑलमोस्ट सभी टीमों ने अपनी घोषणा कर दी है। मेरे साथ इस बोर्ड बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम पोस्ट।